सुबह सुबह गुरुद्वारे में चाय पी के ऋषिकेश, इसे योगनगरी भी कहते हैं, तो यहाँ पे जो सरोवर बना हुआ ना, ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं कई जगह। मैं तो तुमको रहने देते ना, ना एक बार देखा है बस। अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर एक मंदिर है जो रिवर के ठीक बीच में बनाया गया है। ये जो आप मंदिर देख रहे हो, धारी देवी मंदिर है। 2013 के अंदर जो आपदा आने का मुख्य कारण था, वो मंदिर को भी माना गया है। गाड़ी के 100 रुपए और बाइक के 50 रुपए। यहाँ एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है। सारी गांव, सारी विलेज, इसको साड़ी विलेज भी कह देते हैं और सारी भी। मैं और संजय सिर्फ दो, हम एक साथ चल रहे हैं। मौसम काफी बिगड़ा हुआ है, आधा किलोमीटर की दूरी बची हुई है अभी, और थोड़ा सा बूस्ट अप कर लेते खुद को। अमूल कूल, नाइस टू मीट यू, सब्सक्राइब एंड फॉलो। मरा हुआ नोट कर। और ये जंगल का एरिया शुरू हो गया और सुनसान रास्ता। यूट्यूब पर करो क्लिक द मान ट्रिप। गुड मॉर्निंग फ्रॉम ऋषिकेश, और आज है 30 दिसंबर, और इस गुरुद्वारा यहाँ का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ऋषिकेश एक तरह से ऋषि मुनियों की नगरी है, इसे योग नगरी भी कहते हैं, क्योंकि ये बेस पॉइंट है चार धाम की यात्रा का। यहीं से चार धाम की यात्रा के लिए रास्ते अलग होते हैं, एक यमुनोत्री गंगोत्री और एक केदारनाथ बद्रीनाथ। हम बद्रीनाथ वाले रास्ते से जाएंगे रुद्रप्रयाग तक, उसके बाद फिर हम केदारनाथ की तरफ मुड़ जाएंगे। अब निकल रहे हैं आगे, और हमारे कुछ साथी अभी पीछे रुड़की पहुंचे हैं, वे भी आ रहे हैं। वे शायद हमें रास्ते में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि वे बाइक पर हैं, हम गाड़ी में। तो यहाँ पे जो सरोवर बना हुआ ना, इसमें बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। सुबह सुबह गुरुद्वारे में चाय पी के अब आगे ऋषिकेश से निकल रहे हैं बाहर। अभी हम रास्ते में हैं, देवप्रयाग के रास्ते में कुछ पार्टनर है जो ऋषिकेश में ही अटके हुए हैं, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। बहुत सारी फॉग है, और यह है नेशनल हाईवे नंबर 7। इस रोड पर जो स्पीड लिमिट है वो 30 की है। ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं कई जगह, रोड पर पत्थर बिखरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पत्थर गिरने की संभावना के जो बोर्ड है, साइन है, वे जगह जगह लगे हुए हैं। चलो बढ़ते हैं आगे, फिर आगे चल के थोड़ा सा किसी ढाबे पर हम ब्रेकफास्ट लेंगे, क्योंकि सुबह चाय ही ली थी, और उसके बाद हम कंटिन्यू चल रहे हैं। मैं तो तुमको ब्रेड देते ना, ना एक बार देखा है बस। ये देवप्रयाग का वो संगम स्थल जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, क्योंकि
अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। इधर जो शांत स्वभाव में बैरेज जिसका पानी थोड़ा सा काई जैसा बिल्कुल ग्रीन, वो अलकनंदा, और जिसका बहाव तेज है ये भागीरथी, और वो वहाँ पर घाट बना रखा छोटा सा घाट, उस घाट के फ्लोर पर भी पानी बह रहा है। तो वहाँ जाने के लिए पीछे उधर एक पुल है, उस पुल से ऐसे आना पड़ेगा और फिर बाजार के अंदर से वहाँ तक तो बाइक चले जाते हैं, अदरवाइज गाड़ी में हो तो पैदल ही कवर करना पड़ता है रास्ता, और तब उन सीढ़ियों से नीचे आना पड़ता है और फिर घाट पे आए। श्रीनगर से थोड़ा सा आगे निकलकर रुद्रप्रयाग की ओर एक मंदिर है जो रिवर के ठीक बीच में बनाया गया है। मंदिर का नाम है धारी देवी मंदिर, और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो मेरे साथी बताएंगे आपको। ये जो आप मंदिर देख रहे हो धारी देवी मंदिर है, और 2013 के अंदर जो आपदा आने का मुख्य कारण था वो मंदिर को भी माना गया है, क्योंकि इसकी जो माँ की प्रतिमा है उसको विस्थापित किया गया था, तो इसीलिए बाढ़ का मुख्य कारण ये मंदिर है। और फिर से दोबारा से प्रतिमा की स्थापना की गई, तब जाके मंदिर क्या हुआ मंदिर होगी खत्म हो गई। यहाँ पर धारी देवी का मंदिर ये हमारे ठीक सामने, यहीं पे हमने दर्शन किए हैं, और ये 2013 की केदारनाथ की त्रासदी थी उसी से प्रभावित है ये मंदिर, और ये बिल्कुल नीचे है अलकनंदा नदी में पिल्लरों पर मंदिर को खड़ा किया गया है, और इसकी मान्यता काफी ज्यादा है यहाँ के स्थानीय लोगों में। ये रास्ते में है तो इसलिए यहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुके, और अब आगे बढ़ रहे हैं फिर दोबारा रुद्रप्रयाग की ओर। धारी देवी के मंदिर में अभी गए थे हम, और लगभग आधा किलोमीटर का ये पैच है, ये हमारी गाड़ी थोड़ी सी दूरी पर पार्क की थी क्योंकि मंदिर के जो मुख्य द्वार है अगर उसके सामने पार्क करते हैं तो आप पार्किंग चार्ज है गाड़ी के 100 रुपये और बाइक के 50 रुपये, इसलिए थोड़ा सा डिस्टेंस पे हम उसको पार्क कर देते हैं। चलो चलते हैं और बढ़ते हैं आगे। जय बाबा तुंगनाथ। मंदाकिनी नदी के किनारे हमने गाड़ी पार्क की है, और यहाँ से गुप्त काशी लगभग 40 किलोमीटर, ऊखी मठ भी यहाँ से लगभग 40 या 35 किलोमीटर की दूरी पर है, तो यहाँ एक छोटा सा टी ब्रेक लिया है, खुद ही चाय बनाएंगे क्योंकि हमारे पास चाय का सामान भी है, और करते हैं कुकिंग स्टार्ट क्योंकि एक टी ब्रेक तो बनता है इतने रास्ते में। ये नीचे सारी गांव, सारी विलेज, इसको सारी विलेज भी कह देते हैं, और सारी भी, और बहुत खूबसूरत गांव है। अब हम इसी गांव से होते हुए जा रहे हैं देवरिया ताल, जो यहाँ की एक मशहूर और एक धार्मिक झील है, उसका ट्रैक है लगभग 3 किलोमीटर का। अब देखते हैं कितना समय लगेगा, और समय 4 बज चुके हैं, मैं और संजय सिर्फ दो हम साथी एक साथ चल रहे हैं। तो
क्या चार्जेस रहते हैं रूम के? चार्जेस अभी तो अलग रेट हो जाते हैं थोड़ा चार्ज, कोई बात नहीं। 31st के अभी 1500 पर पर्सन, नॉन वेज के साथ चिकन हो या मटन हो पर पर्सन 1500 रुपये, और अदर सीजन पे थोड़ा कम हो जाता है 800 रुपये 1000 रुपये वेजिटेबल फूड के साथ। यहाँ से ट्रैक के यहाँ से देवरिया ताल अभी 1.5 किलोमीटर और है, हल्का स्टीपी है, सही एंजॉय मजा आएगा आपको आगे चलने में, जैसे जैसे चलोगे तो अच्छा व्यू नजर आएगा आपको और अच्छा फील होगा, मजा आएगा आपको लेक के पास जाके। सो नाइस टू मीट यू। तो यहाँ पर ये था कर्मा एंड फैमिली का एक छोटा सा रेस्टोरेंट, और ये मिड पॉइंट पर है, वैसे यहाँ से 1 किलोमीटर नीचे सारी विलेज और 1.5 किलोमीटर पर देवरिया ताल। कितने आदमी थे? दो आदमी। देवरिया ताल के रास्ते में 0.5 किलोमीटर की दूरी बची हुई अभी, और थोड़ा सा बूस्ट अप कर लेते खुद को। अमूल कूल, मौसम काफी बिगड़ा हुआ है, और पीछे देखो रेनबो इंद्रधनुष बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है। ब्रावो नोट कर रहा है, नोट है कहीं गांधी का दिखा दे। जाना है कि नहीं है? ओके टनाटन है। अच्छा जी चलते हैं। देवरिया ताल पर 150 रुपये की एक पर्ची कटती है, और अभी हम बिल्कुल टॉप पे थे, अब डाउन जा रहे हैं, और ये जंगल का एरिया शुरू हो गया, दोनों तरफ जंगल ही जंगल और सुनसान रास्ता। मैं और मेरा साथी, यहाँ आसपास कोई नहीं है, देखो रास्ता दूर दूर तक ना इंसान है ना इंसान की जात है, और ये हमारे सामने देवरिया ताल है। देवरिया ताल तक पहुंचने में हमें लगभग 1.5 घंटे का समय लगा। अभी आ रहे सर, अभी आ रहे, अभी हमें 1.5 घंटे का टाइम लग गया, और ये लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है, और जाने में हमें लगभग 1.5 घंटा यानी कि इसका आधा टाइम ही लगेगा। झील ठीक ठाक है, इतना अट्रैक्शन तो नहीं है जितना हम सोच के आए थे। देखिए एक तरफ हरियाली है, पेड़ पौधे, दूसरी तरफ मैदान, और हमारे साथी नीचे खड़े हुए हैं क्योंकि उनका कॉल आ रहा है बार बार, और नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं, नेटवर्क है यहाँ पर, तो लेते हैं फोटो और फिर चलते हैं वापस अपने बेस पॉइंट पर। तो जैसे दिन ढलता है शाम होती है, यहाँ पर खामोशी छा जाती है, तन्हाइयां पसर जाती है, दूर दूर तक कुछ नहीं। तो अब चलते हैं वापस नीचे सारेगांव की ओर, क्योंकि 2.5 किलोमीटर का ट्रैक अब हमें लगभग 1.25 घंटे में पहुंचना है नीचे, और वहीं आज कैंपिंग करेंगे या फिर होटल या गेस्ट हाउस लेना पड़ेगा, देखते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, यूट्यूब पर करो क्लिक दमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स। चौक का नाम सुने हैं?